हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो देखिए, हमारी इधर हैप्पी दुल्हनी हो चुकी है, तो आप सभी को भी हैप्पी दुल्हनी। तो ज़्यादा तो कलर हमने नहीं लगाया, ना ही पसंद है, और ना ही मतलब आजकल ऐसा है, केमिकल ज़्यादा आ रहे हैं, फेस खराब होने का डर रहता है, एलर्जी होने का डर रहता है, इसीलिए। और इन्होंने मुझे लगा दिया है, मैंने इनको लगा दिया है, तो देखिए इनकी मैंने नाक वाक को सबको रंग दिया। और अभी मैंने इतना सारा काम किया है, कपड़े वगैरह सारे वॉश कर दिए हैं, ये देखिए। बस अभी मेरा खाने का बचा है, खाना बनाना है मुझे। तो खाने में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस कचौरी और पकौड़ी वगैरह बनाएंगे, क्योंकि यार सबका पेट भरा रहता है, कोई कहीं खाता है कोई कहीं, तो ज़्यादा तो कोई नहीं खा पाएगा इसीलिए। और मैंने इनके इन दोनों बैगों को भी धो दिया है, ये भी गंदे हो रहे थे, बहुत मेहनत लगी ना धोने में। बहुत बोलती है, बहुत बोलती। बहुत बोलती है, बोलने का तो काम ही है, बिना बोले क्या है। पता है क्या, कहीं भी जाते हैं ना, जो इंसान कम बोलता है उसके साथ बोर होते हैं। हम कहीं भी चले जाएं ना, बोर होते ना किसी को होने देते, है ना। मैं भी ऐसे ही हूं। हाँ, अगर मैं एक दिन गुस्सा होकर चुप हो जाऊं, काट सको पूरा दिन, नहीं कट यहाँ सकता। घंटे देना कटे तो हाँ, फिर भी पूरा दिन नहीं कट सकता। जिन लोगों को ये होती है ना, ज्यादा बोलती है, मैं बोलती हूँ कि मुझसे बोलना भी बंद कर दो ना, तो फिर इन पर आ भी नहीं जावे, बिल्कुल नहीं रहा जावे। तो बस चलिए, किचन में चलती हूँ, आज इनको किचन में लेकर चलूंगी, मेरी हेल्प कराएंगे, है ना। यही तो काम बचा है बस मेरा। हाँ ओ भाई, हम खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इनका हेल्प करने का तो बनता है, एक आध दिन तो हेल्प करने का बनता है। चलिए, तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ, देखते हैं ये क्या क्या मेरी हेल्प करते हैं किचन में। तो ये मुझे लग रहा था पूरे फेस पर कलर लगाने वाले पर रिक्वेस्ट की है, तो थोड़ा सा बस इधर ही इधर लगा है मेरे, और ज्यादा नहीं। तो अभी पापा आ चुके हैं, बाहर गए हुए थे, तो पापा, अभी गेट खोलने जा रहे हैं ये। तो हम किचन में काम करते हैं, मैं ट्राईपोर्ट लगा लेती हूँ। तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, और मैंने इनको छील भी दिया है, और अभी ये ठंडे भी हो चुके हैं। तो चलिए अभी मैं पिट्ठी तैयार कर लेती हूँ। अभी मैंने भी नहीं नहाया है, मतलब आज नहाने का तो अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कब कौन आकर कलर लगा दे क्या पता चलता है। तो मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि ये ऐसे कलर की साड़ी है, अगर कलर भी गिरा दिया तो रह भी जाएगा, तो दिखाई भी नहीं देगा। और आज हो रहे हैं हम दोनों मैचिंग मैचिंग, वही कलर इनके टी शर्ट का भी है ना, वही बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हम किचन में आ गए थे, तो थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, पर ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई हेल्प करेंगे हम तभी काम करेंगे, पर अच्छा लगता है तो इसीलिए हेल्प के बहाने से मतलब साथ में रह लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उसके बाद करने लगी थी यहाँ पर आलू कद्दूकस, तो जिसमें चोपर में मिर्च और प्याज डालकर बारीक कर लिया था इनको, जो कि मुझे पिट्ठी में डालने थे आलू की पिट्ठी में, तो मैं कद्दूकस से कर लूँगी जिससे कि इसमें कोई गांठ नहीं रहेगी। तो पहले तो मुझे बनानी थी कचौरियाँ, तो फिर मैंने देखा कि जो पिट्ठी है मतलब आलू की, तो वो थोड़ा मतलब आलू ऐसे थी कि थोड़ा वो ढीली हो गई थी जिससे कि कचौरियाँ बनने में थोड़ा मुश्किल होती, तो इसलिए मैंने फिर ये थोड़ी सी ब्रेड पकौड़ी भी बना लिए थे कि पिट्ठी थोड़ा मतलब यूज हो जाएगी, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने कुछ पकौड़ी वो सॉरी ब्रेड पकोड़े बनाए थे और कुछ मैंने कचौरियाँ बना ली थी। तो मैंने ब्रेड पकोड़े में थोड़ा पनीर डाल लिया था, मेरे पास पनीर रखा हुआ था, तो मैंने इसमें थोड़ा करके इन दो दो पीस रख लिए थे। तो ये अच्छे से बन चुकी है यहाँ पर, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ पिट्ठी, देखिए कैसी ये मतलब ढीली ढीली है, मतलब बह गई है, हिंदी भाषा में बोले तो पिट्ठी मेरी बह गई है। तो इसी तरीके से मैं सारे एक साथ भर कर रख लूँगी और उसके बाद में मैं इनको बेसन में डिप करके उतार लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले भी निकाल दिया था मैंने गौ माता का, और यहाँ पर देखिए मैंने बना लिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, काफ़ी अच्छे बने हैं, क्रिस्पी हैं। तो पर सबसे पहले गौ माता का निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर
अलग रख देते हैं, उसके बाद अपना यूज में ले लेते हैं और बाकी के खाने को। तो उसके बाद फिर मैं लगी थी कचौरियाँ बनाने के लिए, तो कचौरियाँ बना रही हूँ मैं यहाँ हाथ यहाँ पर हाथों से। तो देखिए काफ़ी फूली फूली अच्छी बन रही हैं। तो मैंने आटे को काफ़ी ढीला रखा था जिससे कि मतलब जो मेरी स्टफिंग है आलू की वो निकलना चाहे बाहर, क्योंकि आटा थोड़ा ढीला रहता है तो उसमें थोड़ा अच्छे से बन जाती है और बाहर निकलने का भी डर नहीं रहता स्टफिंग का। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर सारी बना लूँगी। और खाना बनाते टाइम मैंने रखा हुआ था सिर पर पल्लू, क्योंकि बोलते हैं पहले कि मतलब कढ़ाई पर सिर पर पल्ला रखना सही रहता है। तो फ्रेंड्स होली भी खेल चुके हैं, खाना पीना भी हो गया है और इधर मैंने विवान को, हाँ जी बैलून, तो इधर मैंने विवान को भी नहला दिया है। बस अभी मेरी बारी है, मैं भी नहाने जा रही हूँ। टाइम भी काफी हो चुका है, अब तो कोई नहीं आएगा। तो अब तो कलर जो लगना था वो लग चुका है, तो बस चलिए अब चलते हैं नहाने। क्या बेटे? हाँ तो बस चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।